नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस पर आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा है, जहां से बहुत से आतंकी पकड़े भी गए हैं और बहुत से लोग आतंक की राह पर जा चुके हैं। आए दिन ये यूनिवर्सिटी तरह तरह के विवादों के घेरों में भी फंसती रहती है। कभी यहाँ से किसी आतंकी को छोड़ने की मांग उठती है, तो कभी देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। और अब खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में होते हुए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुंडों का राज बन गया है। जी हाँ, वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां बारी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में मंगलवार रात दो छात्रों को गुंडे आमने सामने हो गए और इस दौरान फायरिंग भी हुई। फायरिंग में गोली लगने के कारण बिहार का रहने वाला एक छात्र घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं कि आखिर ये विवाद हुआ कैसे और गोलीबारी तक ये विवाद पहुंचा कैसे। दरअसल मंगलवार देर रात मेडिकल कॉलेज के नजदीकी जमालपुर पर कुछ लोग चाय पी रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। काफी देर तक कहासुनी होने के बाद दोनों पक्ष वहां से चले गए। इससे कुछ देर बाद एएमयू कैंपस के अंदर ही डक पॉइंट पर फिर दोनों गुट आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इसमें बिहार के कटिहार का रहने वाला अरमान की पीठ में गोली लग गई, जिसके बाद वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। अरमान के घायल होने के बाद वहां पे बाकी के लोग वहां से फरार हो गए, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया। वहीं दूसरी तरफ और एएमयू कैंपस में गोली चलने की सूचना पर पूरे कैंपस में खलबली मच गई है। सर, शुरुआत में यह हुआ कि अब्दुल हक और जो फरमान चाय पी करके आ रहे थे हॉस्टल के लिए किसी काम के, तो सर रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जो हमारे एसआई साहब हैं नौशाद अली खान साहब, इन्होंने उनको रोक लिया सर। जो फिर उन्होंने फरमान ने मेरे पास कॉल की, तो मैं वहाँ पर पहुँचा। मैंने कहा सर ये स्टूडेंट है और आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से नहीं ले आ सकते, इनको उठा करके मैं आपको इनके आई कार्ड दिखा दूँ। फिर उसके फ़ौरन उनके जाने के बाद 5 से 10 मिनट के बीच में उन्होंने सर कहा सुनने के बाद फायरिंग शुरू कर दी और सर गोली मार दी। इसके बाद मौके पर SPCD कुलदीप मुनावत, CO तृतीय श्वेता पांडे और साथ ही सिविल लाइन पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। AMU कैंपस में हुई गोलीबारी में घायल छात्र अरमान बिहार का रहने वाला था और फिलहाल वो जमालपुर में रह रहा था। सूत्रों की माने तो अरमान AMU का ही पूर्व छात्र है। वहीं घायल छात्र के दोस्तों ने थाने में तहरीर दी है कि पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले को देखते हुए AMU कैंपस के अंदर हुई इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशाने खड़े हो गए हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई कि AMU परिसर में एक चली है, जो अभी सुरक्षा जाँच की गई, इसमें है कि जिसको बोली जाए कि ये भी बारी व्यक्ति है और जिस लोगों ने गोली मारी घटना की सत्यता के लिए जाँच की जा रही है और इसके आगे घटना कार्रवाई की। क्या सर ये बाइक से थे क्या, फिर तुम लोग थे? पूरी जाँच की जा रही है, उसके बाद क्या ये मुझे छात्र चाहिए क्या? अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैंपस के अंदर हथियार लेकर लोग कैसे घुस गए। आपको बता दें कि CO तृतीय श्वेता पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि AMU कैंपस के अंदर दो छात्रों के गुट में आपस टकरा गए। इसके बाद एक ने गोली चलाई और घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके आधार पर सारी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभी गोली चलाने वाला कौन है इसका कुछ अंदाजा नहीं लग पाया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।